बंदे पुरुषोत्तम वर्तमान आचार्य देव जी द्वारा बोली गई कुछ एक दो घटनाएं। कुछ दिनों पहले मैं उत्तर बंगाल गया था। वहां पर एक अद्भुत घटना घटी। उत्तर बंगाल के बसीरहाट बाजार में आग लग गई। अनेक संख्या में दुकान एवं घर आग में जलकर राख हो गए। उसी बाजार में एक गुरु भाई का दुकान था। दुकान में ठाकुर का एक फोटो था। सभी लोग अपने दुकान से सामान निकालने में व्यस्त रहे। अग्निशामक दल भी पहुंच गया। वह दीक्षित गुरु भाई कह रहा है, मेरे दुकान से कोई कुछ नहीं निकालेंगे, मैं पहले अपने ठाकुर का फोटो निकालूंगा, उसके बाद जो होने का है होगा। अनेकों बोले, तब तक दुकान जल जाएगा, सामान सब जल जाएगा। लेकिन वह गुरु भाई बोला, जो भी हो, मैं सर्वप्रथम अपने ठाकुर का फोटो पहले निकालूंगा। वह आग में कूदकर ठाकुर का फोटो निकाल कर ले लाया। उसके शरीर में थोड़ी भी आग नहीं लगी। जिनको अपने हृदय में स्थापित किया था, वे ही उसकी रक्षा किए। एक दूसरी घटना। दो व्यक्ति के बीच झगड़ा चल रहा था। एक साधु उन लोगों के नज़दीक से जा रहे थे। वे इन दोनों से पूछे, तुम दोनों इतनी नज़दीक खड़े हो तो भी इतने जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हो? तुम दोनों के अंतर में क्या विभेद हुआ है? दो लोग यदि दूर रहते हैं तभी दोनों को जोर जोर से बात करना पड़ता है। मनुष्य तब चिल्ला कर बातें करता है। जब मनुष्य एक दूसरे से दूर चला जाता है, हम लोगों के अंतर में भाव का अभाव होता है, तब ही लेकिन जोर जोर से बातें करते हैं। नई दंपत्ति की शादी होती है, दोनों के बीच प्रेम का भाव रहता है, इसलिए धीरे धीरे बातचीत करते हैं। कारण परस्पर दोनों प्रेम करते हैं। यही तो नियम है, यही तो प्रकृति है। साधु संत और साधन जगत में जो लोग हैं, वे लोग चुप रहते हैं। वे और ईश्वर एक साथ रहते हैं। हम लोगों की बातें तभी समाप्त हो जाएंगी जब हम लोग ईश्वर को पाएंगे, तब और कोई बात नहीं बचेगी। सातवती मई 2015, पेज नंबर 31। जय गुरु।